गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता नाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रन शुभ में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने मंडी परिषद के लिए प्रैक्टिस नंबर 4 लेकर आपके सामने आया हूं और आज का जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन है। और आज जैसा कि आपको पता है कि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न 100% आते ही हैं, तो मैं ज़्यादा जो है आपसे बातचीत नहीं करना चाहता हूँ और आपके सामने ब्लड रिलेशन के कुछ टूल्स आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन में आपको क्या पता रहेगा। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो है जनरेशन गैप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जनरेशन गैप। कि जनरेशन गैप जो आ रही है वो 1 पीढ़ी का है, 0 पीढ़ी का है, 1 पीढ़ी का है कि 2 पीढ़ी का है। और आपको पता होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ बेसिक टूल्स है। और ओवरऑल अगर मैं एक शब्दों में बात करूं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको ट्री ड्रॉ करने आना चाहिए। क्या ड्रॉ करने आना चाहिए? ट्री। और मैंने एक और टॉपिक, मैं अभी डिस्कस करूंगा इसको कि कैसे हम सॉल्व करते हैं ट्री की सहायता से। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं 3 प्रकार के बनते हैं। पहला, जो जनरल ब्लड रिलेशनशिप होता है जो कि पीढ़ियों से संबंधित और रिलेशन को बताते हुए सिंपली आपके एग्जाम में देता है। और दूसरा जो होता है डायरेक्टिव ब्लड रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है कोई महिला या कोई पुरुष किसी फोटो के या किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए, कुछ इशारा करते हुए अपने बातों को समाप्त करता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टिव ब्लड रिलेशनशिप। और तीसरा होता है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, जिसमें जो है कुछ कोड कर देता है संबंधों को, जिस प्रकार प्लस को पिता मान लेता है, माइनस को माता मान लेता है। इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। तो पूरे ब्लड रिलेशन में मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लाया हूँ और 10ों में 3 प्रकार के क्वेश्चन मैं सम्मिलित करने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आइए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रखने जा रहा हूँ। जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप ध्यान से अपने केंद्रित कीजिए ध्यान को। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना चाहता है। और एक और बात, आपको ये 10 प्रश्नों में ना 3 प्रकार से क्वेश्चन मैंने देने का प्रयास किया है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी क्वेरीज होगी आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, PQRS 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति एक परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ पर अब जो है इसी को बोलते हैं जनरल ब्लड रिलेशनशिप। जनरल ब्लड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम ट्री बनाएंगे। क्या बोल रहा है? पी दादा है आर का, तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया। अब यहाँ से ब्लड रिलेशनशिप बनाऊंगा मैं, आर का दादा है, मतलब 2 जनरेशन गैप है। किसका दादा है? पी दादा है आर का, तो पी दादा हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि आर लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ हम प्लस और माइनस दोनों रख सकते हैं। तो यहाँ तक कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया, पी दादा है आर का, ओके? तो आर नीचे रहेगा 1-2 पीढ़ी और पी ऊपर रहेगा, ओके? अब देखना है बच्चों कि जो पी है और आर है, क्या इस स्टेटमेंट में दिया है? अब तुरंत स्टेटमेंट चेंज कर दिया है कि क्यू माँ है किसकी? एस की। चूंकि पी और आर के बारे में इस स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है, तो आपको इस जो स्टेटमेंट है ना, इसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है और आगे आना है। क्या बोल रहा है? आर बहन है एस की। इन्हीं सब बातों का ब्लड रिलेशन में ध्यान देना होता है कि किसको छोड़ करके किस स्टेटमेंट को पकड़ना है। आर बहन है एस की, तो आर बहन हो जाएगी, तो यहाँ जो मैंने कंडीशन माना हुआ था प्लस और माइनस का, तो आर बहन हो जाएगी तो माइनस हो गया, और किसकी बहन है? एस की। तो एस की अभी अब नहीं पता हमें कि एस जो है प्लस है कि माइनस है। यहाँ तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, ये भी हो गया है। अब हम आते हैं पिछले कंडीशन पे जो दिया हुआ है, क्यू माँ है एस की। अब देखो, क्यू की माँ को, क्यू माँ है किसकी? एस की। तो क्यू यहाँ हो जाएगी और ये फीमेल हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि आर पुत्र है, आर नाती है किसकी? पी का। या पी दादा है किसकी? आर की। तो अब हम ऐसे ब्लड ट्री नहीं बनाएंगे। आप क्या करोगे? अब इसको खींच के पी के सामने नहीं ले जाना है। क्यों? क्योंकि यही गलतियां लड़के करते हैं। ट्री वैसा ही बनना चाहिए जैसा कि एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा गया है। बोल रहा है क्यों माँ है एस की, तो आप यहां तक ले जाना।
और यहां बना देना क्यू माँ है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या पूछ रहा है, ये ट्री बन के तैयार हो गया। अब पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए पी का क्यू से क्या संबंध है। तो देखो, आर और एस की माँ क्यू है, और इन दो, ये जो क्यू है, ये क्यू का ससुर जी क्या होंगे, पी होंगे। क्यों ऐसा मैंने गेस किया, आपको यहां मैं समझाता हूं। मैंने क्या किया है कि यहां जो ब्लड रिलेशन का जो ट्री बना है उसको मैं बिल्कुल फिर से बनाकर आपको दिखाता हूं। ये रहा आर, ये रहा आर, और आर के ऊपर कोई आदमी होगा प्लस या माइनस, उसके ऊपर पी है जो दादा है। ओके, अब आर जो है बहन है किसकी, एस की, और एस की माँ है क्यू। तो यहां पर हमें पक्का पता चल गया, यहां पर ये जो पति पत्नी का रिश्ता होगा, तो देखो आर और एस के पिता ये हैं होंगे, माता जी ये होंगे, और ये दादा जी हैं। तो लिखा है पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी ससुर लगेगा किसका, क्यू की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। परिवार में कितनी महिला है, परिवार में कितनी महिला है, क्वेश्चन नंबर टू। तो महिला की बात करते हैं तो आर महिला है और एक क्यू महिला है। ओके, अब हमें नहीं पता कि एस भाई है कि बहन है, तो ऑब्वियस सी बात है परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, दो महिला है। ओके, अब बोल रहा है क्यू का पी से क्या संबंध है, क्यू का पी से क्या संबंध है। जैसा कि ऊपर पूछ रहा है पी का क्यू से क्या संबंध है, यहां क्यू का पी से क्या संबंध है। तो पी यदि ससुर लगेगा तो क्यू बहू लगेगी, क्या लगेगी, बहू लगेगी। तो यहां पर हमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्यू जो है बहू लगेगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर पे, पी और क्यू में क्या संबंध है, पी और क्यू में क्या संबंध है। सेम चीज है, पी ससुर लगेगा और क्यू क्या लगेगी, बहू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पी ससुर लगेगा और क्यू बहू लगेगी। तो ससुर और बहू का संबंध है। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर पांच पर ध्यान देते हैं, ये डायरेक्टिव ब्लड रिलेशनशिप पे बेस है, और इसमें जो है कोई व्यक्ति या कोई महिला किसी पुरुष या महिला की तरफ इशारा करते हुए कोई बात को कहता है, उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार आप रीडिंग लगा लीजिए, क्या बोल रहा है वो जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है सुमन कहती है, क्या कहती है, सुमन कहती है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हम देखेंगे कि नरेटर क्या है। नरेटर में होता है वक्ता, और वक्ता सबसे पहले देखते हैं कि प्लस है कि माइनस है। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो पुरुष की तस्वीर होती है या महिला की तस्वीर होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और वो भी देखते हैं कि प्लस है या माइनस। अब इन दोनों में बात क्या होती है, या तो नरेटर जो है ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, या ऑब्जेक्ट जो है नरेटर की तरफ इशारा करते हुए कहेगा। दोनों कंडीशन बन सकता है, पहला कंडीशन ये बनेगा कि नरेटर से बात शुरू होगा और ऑब्जेक्ट से खत्म होगा। ओके, और दूसरा कंडीशन बनता है ऑब्जेक्ट से बात शुरू होगा और नरेटर पे खत्म होगा। तो इसमें क्या बोलता है, आइए मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊं। सुमन कहती है, इसका मतलब जो सुमन है वो नरेटर है, और सुमन क्या है, महिला है, और ये नरेटर है। नरेटर मीन्स वक्ता। ओके, किसकी तरफ कहती है, सुमन कहती है कि रमेश के पिता, रमेश के पिता मतलब रमेश, यहां मैं रमेश मान लेता हूं, रमेश के पिता, ये पिता। ओके, रमेश के पिता के पिता, पिता के पिता, ये हो गया रमेश के पिता मेरे पिता हैं। अब यहां जो मेरा शब्द आया है, मेरा शब्द आया वही नरेटर है, और नरेटर क्या है, माइनस है। तो मेरे पिता है मतलब ये सुमन है, और इनके ये क्या है, पिता है। सुमन क्या है, माइनस है। ये ब्लड डायग्राम जो है, ब्लड रिलेशन का जो ट्री डायग्राम है, ये आपके सामने बनके तैयार हो गया। एक बार हम कंडीशन को फिर से सेटिस्फाई करा लेते हैं।
क्या कहेंगे? सुमन कहती है कि रमेश के पिता मेरे पिता हैं। ठीक है, तो सुमन रमेश से कैसे संबंधित है? तो सुमन जो है बहन लगेगी किससे? अब सुनो, सुमन रमेश से कैसे संबंधित है? अब रमेश के पिता कौन है यहां पे, और इसी डायग्राम में इसी के जीरो जनरेशन गैप पर सुमन भी है। सुमन के पिताजी ये हैं, सुमन के पिताजी ये हैं, तो हमें पता है कि ये इनके पिता हैं और इनके भी पिता हैं। तो सुमन और रमेश में किस प्रकार से संबंधित निकाल सकते हैं? स्टूडेंट्स, आपको ना रिलेशनशिप ड्राइव करने आना चाहिए। क्या होता है, सुमन के पिताजी हैं, इनके भी पिताजी हैं, तो जाहिर सी बात है इनका ये पुत्र है, इनका ये पुत्र है, तो दोनों भाई बहन होंगे। दोनों क्या होंगे? भाई बहन होंगे। कौन? यहाँ पे जो आए हैं ये भाई हैं और ये बहन हैं, क्योंकि दोनों के पिता एक ही पिता हैं, तो जाहिर सी बात है ये इनके पुत्र हैं, तो ये इनको बुआ बुलाएगी। क्या बुलाएगी? बुआ बुलाएगी। तो आंसर जो है हमारा ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताइए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है? दोस्तों, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अगर मैं सारे टूल्स बताता रहूँगा तो 10 क्वेश्चन सॉल्व कराना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जो है कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बस प्रश्नों के प्रकार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ओके? और मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी हो चुकी है और आप किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ चेकआउट किया जा रहा है। एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मधु ने कहा, तो सबसे पहले नरेटर हम मान लेंगे माइनस, क्योंकि नरेटर मधु है। नरेटर कौन है? मधु। और लड़के के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रही, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, पहली बात। अब क्या बोल रही है? शुरुआत कहां से हो रहा है? मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी। मेरे पिताजी का मतलब मधु ने अपने से शुरू कर रही है, मेरे पिताजी, ये मधु है, ये क्या है? मधु है। मेरे पिताजी, एक जनरेशन गैप, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। अब देखो ध्यान से, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री खुद मधु हो गई, ओके? और इसकी बहन यहां पे हो गई, इसकी बहन। अब किसकी बहन? उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती क्या है? पुत्री है। दोस्तों, आपको फिर से एक बार मैं बना के दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। उसकी बहन को बाद में ड्रॉ करेंगे, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री पहले लिखेंगे। तो देखो, मेरे पिताजी, ये मधु हो गई, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री फिर से मधु हो गई, उसकी बहन है, उसकी बहन मतलब ये ऑब्जेक्ट है और यही लड़का है, ठीक है? तो उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती क्या है? पुत्री है। अब देखो, इन दोनों में पूछ रहा है कि मधु के पिताजी का उस लड़के से क्या संबंध है, तो क्या लगेगा? मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है? तो ये क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। क्यों लगेंगे? ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, पिताजी। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, किसने कहा? एक स्त्री ने कहा। तो आइए यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहां पे कैसे सॉल्व होता है। पहले हम ध्यान देंगे कि पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, तो नरेटर हो जाएगी माइनस और ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस। यहां तक क्लियर हो गया पहले लाइन पढ़ने के बाद? चित्र में पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, क्या कहा है?
उसके भाई के पिता, शुरुआत कहां से हो रहा है? ऑब्जेक्ट से हो रहा है। उसके भाई के पिता, उसके भाई का पिता मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, उसके भाई के पिता मतलब उसके भाई के पिता, ये पिताजी हो गए। उसके भाई के पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। अब मेरी माँ मतलब, मेरी मतलब यहां से शुरुआत है और बोल रही मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, ये ट्री डायग्राम जो है बना। एक बार फिर से मैच करा देते हैं। उसके भाई के पिता मेरी माँ का इकलौता क्या है, पुत्र है। तो पूछ रहा है कि उस स्त्री से पुरुष, उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये पुरुष है, पुरुष है और ये स्त्री है, इन दोनों का संबंध बताना है। तो सबसे पहले ये देखना है, ये दोनों भाई भाई होंगे, ये दोनों क्या होंगे, भाई भाई होंगे और इन दोनों के पिताजी ये होंगे, है ना बच्चों, इन दोनों के पिताजी ये होंगे और यहां दोनों सेम जनरेशन के गैप पे हैं। ये दोनों भाई बहन होंगे तो ये पिताजी, तो ये बहन, तो इसका जो है ना ये बुआ लगेगी। क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो आंसर हो जाएगा इकलौता पुत्र। तो पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, भाई पुत्र भतीजा। तो देखो ये बुआ लगेगी तो ये क्या कहलाएगा, भाई का पुत्र कहलाएगा, मतलब भतीजा लगेगा। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, भतीजा। दोस्तों ऐसे ही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस का अर्थ दिया हुआ है मां, ओके, प्लस का अर्थ दिया हुआ है मां, भाग का अर्थ दिया हुआ है भाई, गुणा का अर्थ दिया हुआ है पुत्र और माइनस का अर्थ दिया हुआ है बहन। अब बोल रहा है कि तू बताइए निम्नलिखित में से किसका अर्थ सी डी की बहन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ सी डी की बहन है। तो यहां हम इसको एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। पी प्लस डी भाग सी, पी जो है प्लस का मतलब देखो यहां पे क्या है, मां है, तो पी मां हो गई किसकी, डी की, ओके। और भाग है, भाग मतलब भाई, तो यहां डी भाई है सी का और हमें पूछ रहा है सी डी की बहन है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका सी डी की बहन है। तो यहां हम कंफर्मली नहीं बता सकते हैं कि सी डी की बहन है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आ जाइए, आ जाइए, ये गलत हो गया, इस पे देखते हैं। माइनस बोल रहा है बहन, तो सी बहन है किसकी भाई, पी की। और भाग मतलब, भाग मतलब है भाई, पी भाई है डी का, पी भाई है डी का, यह तो प्लस हो गया तो माइनस होगा। तो इस इक्वेशन से संतुष्ट हो जाता है कि सी डी की क्या है, बहन है, और ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर मैं डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको डायरेक्टली लिख दिया हूं कि प्लस का अर्थ बहन, माइनस का अर्थ माँ, गुणा का अर्थ भाई और भाग का अर्थ क्या है, पिता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजक, व्यंजक एम मामा है आर का, मतलब एम मामा किसका, आर का प्रूफ करना है। पहले इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। गुड़ा मतलब होता है भाई, तो एम भाई हो गया किसका, टी का। और माइनस का मतलब है माँ, और माइनस का मतलब है माँ, तो टी माँ हो गई किसकी, आर की। अब देखो आर की मम्मी कौन, एम, तो ये एम क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, तो ये मम्मी है तो ये मामा हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, सही। इस रिलेशन में प्रूव हो जाता है कि एम मामा है किसका, आर का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके लिए होमवर्क है और आप जो है इसको घर पे सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही बताता है। धन्यवाद दोस्तों।